अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इशरत क्रिएशंस। आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ मिनी चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैं हाफ़ कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर, 2 टेबलस्पून्स कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून्स मिल्क पाउडर एंड 2 टेबलस्पून बटर। बटर की प्लेस में आप लोग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। सारा मिल्क एक सा ऐड नहीं करना है, वरना ये लैम्फी बन जाएगा। अब इन सभी को अच्छे से 2 से 3 मिनट्स के लिए मिक्स कर लेते हैं। टू मिनट्स के बाद अब इस बैटर में ऐड करेंगे 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 स्पून वनीला एसेंस, 1/4 स्पून। अब यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक लग रही है, इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मिल्क। आप लोग मिल्क की प्लेस में वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट मिल्क ऐड करने से बैटर बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अप्पे पैन। अप्पे पैन को ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ ताकि बैटर पैन को ना चुपके। आप लोग याद रखिए, इन मोल्ड्स को 3/4 ही फिल करना है। मैं एक एक कर 3/4 मोल्ड्स को फिल कर रही हूँ। इन सभी को बैटर से फिल कर देने के बाद इसमें ऐड करना है चॉकलेट। आप लोग चाहे तो डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेरी मिल्क चॉकलेट पीसेस यूज़ कर रही हूँ और इन पीसेस को स्लाइटली बैटर में प्रेस करना है और 1 स्पून के ज़रिए चॉकलेट को बैटर से इनक्लोज कर देना है। फिर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक होने देना है। 3 मिनट्स के बाद इसका साइड चेंज करना है। इन सभी का साइड चेंज करने के बाद 1 से 2 मिनट्स के लिए दोबारा कुक होने देना है। आप लोग देखिए, माशाल्लाह से चॉकलेट बॉल्स बनकर तैयार है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इन चॉकलेट बॉल्स को मैं चॉप्ड आलमंड एंड मिल्की बार चॉकलेट क्रीम से गार्निश कर रही हूँ। माशाल्लाह, जूसी चॉकलेट बॉल्स बनकर तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह।